आज बिहार का 109वां स्थापना दिवस है। आज ही के दिन बिहार ओडिशा से अलग होकर स्वतंत्र राज्य बना था। इस दिवस को बिहारवासी बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। कोरोना संक्रमण के चलते राज्य सरकार ने फैसला किया है कि बिहार दिवस के अवसर पर सार्वजनिक तौर पर कोई बड़ा आयोजन नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सभी जिलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस साल बिहार दिवस का थीम जल जीवन हरियाली पर आधारित होगा। मौके पर पटना में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी सहित गणमान्य लोग उपस्थित थे। बिहार दिवस किस रोज मनाया जाएगा? वैसे जो आज बिहार है और इसका जो इतिहास, इसकी जो गरिमा है, यहाँ क्या नहीं है, इन सब चीजों के बारे में संक्षेप से हमारे साथियों ने उसकी चर्चा की। लेकिन सबके मन में था कि बिहार कितना गौरवशाली है, इसका इतना बड़ा इतिहास, कितने लोगों को यहां इसको यहां ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इसी को ध्यान में रखते हुए और पूर्व में बिहार कितना विकसित रहा है और ये जो आज राजधानी पटना है, कल पाटलिपुत्र कहलाता था, और इसके माध्यम से जितने बड़े इलाकों का शासन का कार्य यहां से होता था, शायद अब उतना अपना देश से उससे भी बड़े इलाके का होता था। तो ये सब स्थिति थी, तो अपने सभी लोगों के मन में ये बात थी कि हम लोगों को बिहार के लिए कुछ न कुछ गौरवपूर्ण ढंग से कुछ सोचना चाहिए, करना चाहिए, लोगों को प्रेरित करना चाहिए। तो इसी बात पर काफी विमर्श हुआ और ये देखा गया कि 1911 में नवंबर महीने में तो बिहार को, यानी बंगाल से अलग किया, जिसमें बिहार और उड़ीसा दोनों था, उसको अलग किया गया और पटना को ही उसकी राजधानी के बारे में निर्णय हुआ। लेकिन यह तय हुआ कि आखिरकार इसको हम कब से बिहार दिवस मनाएं, तो अनेक विषय थे, कब गवर्नर आ गए, कब क्या हुआ, नोटिफाई हुआ। तो इन सब चीजों पर गौर करते हुए हम लोगों को यही लगा कि देखिए, जिस दिन अंग्रेजों का राज था, उन लोगों ने बिहार को एक अलग प्रांत के रूप में नोटिफाई किया, उसी को हम लोग बिहार दिवस माने, और ये काम 22 मार्च 1912 को किया गया था। इधर राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत तमाम नेताओं ने बिहार दिवस पर ट्वीट कर और शुभकामना संदेशों में प्रदेशवासियों और प्रवासी बिहारियों को हार्दिक बधाई।